एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सत्कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था क्लास 9th का चैप्टर 8, जो कि आता है आपका मोशन। मोशन हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके बारे में पढ़ा था। जैसे कि हम है ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन की के अंदर भी मोशन है। अब सोचोगे कैसे मोशन है। अब देखिए, हमारे अंदर सर्कुलेशन हो रहा है, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन हो रही है, ठीक है, एक्सक्रीशन हो रही है, सारा प्रोसेस हो रहा है। तो ये सारा किसके थ्रू हो रहा है? मोशन के थ्रू। अब हमें कोई चीज चाहिए, ठीक है। अब आपको माना कोई ड्रेस चाहिए, कोई स्कूल जाना है, स्कूल आना है या मार्केट जाना है, तो आप कैसे करते हो? आप कब मोशन में आते हो, फिर रेस्ट में आते हो, मोशन में आते हो। तो मोशन, आप सोचोगे ना कि मोशन है क्या, बट हमारी लाइफ का पार्ट है मोशन। जब भी आप मूव कर रहे हो तो वो मोशन आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट थी, डिफरेंस किए थे हमने। फिर हमने किया कि कैसे मेजर किया जाता है स्पीड। स्पीड क्या आ गई? डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी आ गई आपकी, क्या आ गई आपकी? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल। इसका मतलब कि फाइनल मतलब जब स्टार्ट किया था पॉइंट तो कुछ और थी, फाइनल किया तो थोड़ा चेंज आ जाता है, तो वो हम वेलोसिटी से मेजर करते हैं। फिर हमने किया एक्सेलरेशन, जिसका यूनिट आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ हमने चैप्टर फिनिश किया था कल, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम स्टडी करने वाले हैं उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, जिससे कि न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा, बने रहिए मेरे साथ इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करना है हमें? मोशन का चैप्टर, जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मोशन। अब मोशन है, उसको ग्राफिकल क्यों रिप्रेजेंट करें हम? देखिए, ग्राफ है क्या ना, माइंड में क्या आता है ग्राफ से? छोटी छोटी लाइनें वहां पे ड्रॉ करने को आता है। तो अब ड्रॉ करने को आया तो हम क्यों करते हैं, जरूरत क्यों है इस चीज की? अब देखो, कोई भी चीज करनी है, क्यों करनी है, अगर आपको पता लग जाए तो आप उसको इजिली सीख जाओगे, ठीक है। अब देखो, ग्राफ है, क्यों करना है? ताकि उसमें दो वेरिएबल दिए जाते हैं, ठीक है। फिर हम उससे बहुत टाइप की कैलकुलेशन कर लेते हैं। इट्स मीन, अगर एक आपको ग्राफ दिया है, वो रिप्रेजेंट करता है बहुत सारी कैलकुलेशन को इकट्ठे, ठीक है, एक जगह पे स्मॉल एरिए में आपकी पूरी चीज बता देता है, ठीक है। जैसे कि माना आपको बताना है इस ईयर ये हुआ, इस ईयर ये हुआ, इस ईयर ग्रोथ रेट ये थी, तो आप सिंपल एक ग्राफ में बता दोगे। थ्योरेटिकल पोर्शन समझने से अच्छा तो ग्राफ में समझोगे, इजी होगा, बट ग्राफ को ड्रॉ करना इतना भी इजी नहीं होता है। तो अच्छे से समझिएगा कि कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। इसे हम क्या लेते हैं, जो लीनियर इक्वेशन आती है, ठीक है, उसमें दो वेरिएबल लिए जाते हैं, जिससे कि बहुत टाइप की कैलकुलेशन हो जाती है। अब जो इस चैप्टर में है, मोशन से रिलेटेड जो ग्राफ होंगे वो डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट आता है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब तो ये आ गया, तो डिस्टेंस तो आपको बताए, माना मैं यहां से यहां तक चली, ठीक है, तो हमने इतना डिस्टेंस कवर किया। बट यहां से यहां तक जाने के लिए मुझे कितना वक्त लिया, वो आ गया टाइम, ठीक है। तो इसको मेजर कैसे करेंगे? अगर बात की जाए आपकी यूनिफॉर्म मोशन की, यूनिफॉर्म से बताया था ना मैंने आपको, क्या समझते हो आप? जब आप मतलब इतना टाइम यहां से यहां तक जाना है, यहां तक भी उतना टाइम लगा, यहां तक भी उतना टाइम लगा, यहां तक भी उतना ही टाइम लगा, तो वो आ गया आपका यूनिफॉर्म मोशन। इट्स मीन इक्वल टाइम, ठीक है, इक्वल इंटरवल में, ठीक है, इक्वल टाइम लगा इक्वल इंटरवल में, ठीक है। तो वो रिप्रेजेंट करें, लीनियर इक्वेशन आती है। अब देखिए इस ग्राफ को देखिए, इसमें देखो हम एक्स एक्सिस, ये आ गया आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है, जिसमें कि एक्स एक्सिस में आपने टाइम को ले लिया, इसमें आप सेकेंड हावर्स कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। फिर इस साइड को आपने लिया वाई एक्सिस, आ गई ना ये आपकी वाई एक्सिस में ले लिया आपने डिस्टेंस, क्या लिया? डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको आपने ले लिया किलोमीटर में, कितना डिस्टेंस कवर किया, किलोमीटर आ गया, और आपका एक्स एक्सिस में टाइम आ गया। अब इसको, अब ये जो ग्राफ है, अब दो वेरिएबल आ गए इसमें, डिस्टेंस एंड टाइम। अब आपको इसमें स्पीड निकालनी है, कैसे निकालोगे? देखिए, हमने पढ़ा इतना टाइम लगा, इतना ही मतलब इक्वल टाइम है, इक्वल इंटरवल लगा, तो हम पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सिंगल पार्ट का लेंगे, जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि क्या चीज बोली है, पूरा सिस्टम वैसे ही रहेगा। तो हम एक पार्ट ले लेंगे, यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस की तरफ, और इधर से हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस की तरफ।
तो यहां पे बन जाता है हमारा एक ट्राइंगल। क्या बन जाता है? ट्राइंगल। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट आ गया ये ले लिया T1, ये ले लिया T2, ठीक है। सेकंड, तो ये आ गया आपका S1, ये आ गया S2। तो आप कैसे मेजर करोगे? देखो, इससे हमें क्या मिल गई? स्पीड मिल गई, ठीक है। कितने स्पीड में जाएगा? अब देखो, इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल कवर कर रहा है, इट्स मीन उसकी स्पीड तो बराबर ही होगी। ऐसा नहीं होगा, वेरिएबल होती है। अगर उसकी स्पीड में चेंज आता तो क्या होता? उसकी जो ग्राफ है लीनियर, ये लीनियर नहीं होता, सीधी लाइन में नहीं होता, ये वेरिएबल करता है। क्यों है लीनियर? क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल कवर कर रहा है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखिए, भी आपका आ गया T2, सॉरी ऊपर आता है डिस्टेंस, आपका आ गया S2 - S1, नीचे आ गया T2 - T1। तो इससे आप मेजर कर पाओगे, ठीक है। तो अब ये तो समझ आ गया आपका, किसमें? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जब यूनिफॉर्म मोशन की बात की गई। बट व्हाट अबाउट ए नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म, अब स्कूल की ड्रेस की बात की जाए तो यूनिफॉर्म मतलब सबकी सेम है, तो वैसे ही इक्वल टाइम इक्वल इंटरवल, ठीक है। मतलब हर कोई, चाहे सिक्स क्लास का बच्चा है चाहे प्लस टू क्लास का बच्चा है, सेम ड्रेस कोड है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कोई सिक्वेंस नहीं है, कोई कोई चीज नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म होगी। डे टू डे लाइफ में मैक्सिमम नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब देखिए, ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर आप घर से स्कूल तक जा रहे हो, आपने गाड़ी में जा रहे हो, ठीक है, आपने घर तक, घर से थोड़ा सा आगे तक गए, सिंपल सीधा प्लेन रास्ता था, स्ट्रेट लाइन थी, तो आप इक्वल स्पीड में चल गए, बाकी बाद में ट्रैफिक आ गई या मोड़ मोड़ आ गए तो क्या होगा? तो आप क्या करोगे, आपकी जो वेरिएशन आ जाएगी, ठीक है। तो सीक्वेंस आपको ये नहीं पता लगेगा कि हो सकता है आपको यहां तक 5 मिनट लगे, बाकी रास्ता इतना था, टेढ़ा मेढ़ा था, तो यहाँ पे आपको 15 मिनट्स लग गए, आगे फिर स्ट्रेट था तो 5 मिनट लग गए। तो जब ऐसा हो, इक्वल टाइम में अब डिस्टेंस कम या ज्यादा कवर कर पा रहे हो, तो वो आ गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस केस में क्या होगा? देखिए ग्राफ को देखिए, इसमें जो ग्राफ है कभी भी स्ट्रेट नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा जो ग्राफ होगा वो वेरिएबल होगा। क्लियर हो गया? फिर अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो कर लिया, बट अब नेक्स्ट जो ग्राफ हम इसमें स्टडी करेंगे वो आएगा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात की गई है तो क्या बात की जाएगी? देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी क्या होती है? जब हम देखो, अब वेलोसिटी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। मतलब जब स्ट्रेट था, देखो माना मैंने ये यहां से फेंका, ठीक है, तो इक्वल ही स्पीड में थोड़ी ना जा रहा है, माना तो फाइनल तक पहुंचेगा तो उसकी स्पीड में वेरिएबल आएगा, एकदम थोड़ी ना वो रुक जाएगा या चल पड़ेगा, वेरिएशन आएगी। तो हम वेलोसिटी यूज करते हैं कि जब अगर इक्वल टाइम नहीं में, मतलब माना अब फाइनल अलग है और इनिशियल अलग है, तो हम वेलोसिटी का यूज करते हैं। इसका ग्राफ कैसे होगा? माना वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, ठीक है, माना ये ग्राफ है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपने 20, 40, 60, ये आ गया आपका 10, 20, 30, 40, ठीक है। माना इस साइड आपने टाइम ले लिया, ठीक है, और इस साइड ले लिया आपने वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर अब जो वेलोसिटी है आपकी वो क्या हो रही है? अब ये कांस्टेंट है, मतलब स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में है, इट मीन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो कैसा ग्राफ होगा? देखिए, इसका ग्राफ हो जाएगा स्ट्रेट, ठीक है, क्योंकि क्या है, इसकी स्पीड वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है, टाइम तो चेंज हो रहा है। अगर माना अगर टाइम नहीं चेंज होगा तो कैसे आप मेजर करोगे? मतलब स्पीड में है तो मतलब टाइम तो गुजरता ही जाता है। स्पीड बेशक वेरिएबल होती है, वेलोसिटी वेरिएबल हो सकती है, बट टाइम तो कंटिन्यू चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब सीक्वेंस है ना, पहले सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, फिर मिनट, फिर आवर्स, दिन, ऐसे बीतता रहता ना टाइम, टाइम कभी नहीं आता ना, तो इसकी इंपॉर्टेंस समझो। तो देखिए, टाइम वेरिएबल हो सकता है, बट वेलोसिटी माना स्ट्रेट लाइन में बात की गई है, तो वेलोसिटी क्या है आपकी? वेलोसिटी आपकी देखो स्ट्रेट लाइन में है, वेलोसिटी आ गई आपकी कांस्टेंट,
ठीक है, मतलब डस नॉट चेंज विद द टाइम। ठीक है, तो कैसे मेजर करोगे? अब देखिए, इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे कि हम यहां से एक्स एक्सिस की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसको मार्क कर देंगे ए बी सी डी। ठीक है, ये आ गया आपका टी वन, ये आ गया टी टू। तो अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कैसे मेजर करोगे? अब देखिए, इसको मेजर करोगे आप, देखो क्या हाइट इसकी चेंज नहीं हो रही, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा एडी इनटू आपका आ गया डी सी। एडी की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर इनटू डी सी की वैल्यू टी टू माइनस टी वन और आवर में। ठीक है, कैलकुलेट सॉल्व कर लेंगे इसको, क्या आ जाएगा 40 किलोमीटर टी टू माइनस टी वन। अब ये हावर कहाँ गया? अब देखो ये वैल्यू थी, ये नीचे को थी, तो ये क्या होगी कट गया। ठीक है, ये बीच देखो हावर कहाँ नीचे का था, तभी जब नीचे हो वैल्यू तो ऊपर जाके क्या होती है माइनस में हो जाती है, तो ये एच एस हावर आवर कट गया, तो क्या आ गई 40 किलोमीटर टी टू टी वन। ठीक है, ये कब है जब स्ट्रेट लाइन में आपका मोशन हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है कॉन्स्टेंट हो रही है। क्लियर हो गया? अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका एक्सेलरेशन, रेट कैसे चेंज होगा। ठीक है, रेट को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है? अब हम ग्राफ के थ्रू पढ़ रहे हैं तो ग्राफ के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, माना अब देखो स्ट्रेट लाइन में जब वेलोसिटी हो रही है तो वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट, बट जब आपका एक्सेलरेशन है वो क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, यूनिफॉर्म है, तो क्या हो रहा है देखिए ड्रॉ करेंगे 10, 20, 30, 40, 50 माना। ठीक है, 20, 40, 60। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म में है तो ये स्ट्रेट लाइन में शो होगा। अब याद रखना, जब भी ग्राफ इक्वल सेम स्पीड में जा रहा है, सेम एक्सेलरेशन है, तो मतलब इतने इंटरवल का भी सेम है, इतने इंटरवल का भी सेम है, तो हम एक पर्टिकुलर इंटरवल का ले लेते हैं। कैसे लेंगे? अब देखिए, यहाँ से हम एक लाइन नीचे को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, यहाँ को ड्रॉ कर देंगे और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो हमने एक्सेलरेशन निकाला है इक्वल टाइम में और यूनिफॉर्म है ये। ठीक है, अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात की जाएगी तो वेरिएबल होगा, बट अगर एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म में है तो क्या होगा? तो देखिए, ये हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, क्या होगा इसका फॉर्मूला? अब देखिए, फॉर इस एक्सेलरेशन का तो ये आ जाएगा बी सी इंटू ए बी प्लस हाफ आपका आ जाएगा, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे हाफ, क्या आ जाएगा ए डी इंटू आपका आ गया बी ई एंड बी सी। अब ये मत देखना, कई बार ऐसा होगा कि यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे बी सी वैल्यू अलग हो सकती है, तो याद रखना ये ए बी एंड बी सी क्या लिया हमने, ये स्क्वायर लिया। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और ट्राइंगल का होता है आपका एक साइड एंड बेस। ठीक है, बी ई बी डी एंड डी ए। ठीक है, क्लियर हो गया? ऐसे आप निकालोगे जब क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब सीक्वेंस में नहीं है। अब हमारे चारों चीजें होती हैं वो मैक्सिमम नॉन यूनिफॉर्म में होती है, तो अगर नॉन यूनिफॉर्म है, माना देखो इस पिक्चर में देखो कैसे है, मूव को कहाँ को कर रहा है, कोई कहाँ को कर रहा है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होता है, अन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होता है। क्लियर हो गया? अब जो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, इनसे रिलेटेड आपके कुछ पॉइंट्स आते हैं, मतलब कैलकुलेशन करने के लिए कुछ इक्वेशन आती हैं, वो डिस्कस करते हैं। अब जो इक्वेशन है वो क्या होता है, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इक्वेशन से ही तो अच्छे से समझिएगा कि इक्वेशन क्या है, क्या करना है हमने इक्वेशन ऑफ, ठीक है, इक्वेशन ऑफ किसकी मोशन, जो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी ना हमने, डिस्टेंस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, देखी ना हमने अलग अलग टाइप की। तो इसमें तीन मेन इक्वेशन आती है, कौन कौन सी देखिए, वी यू प्लस ए टी, ठीक है, ये आ गया आपका एस, ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर आ गया आपका कौन सा आ जाएगा, यू टी आ गया, फिर टू ए एस इक्वल टू
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। इन तीन जो इक्वेशंस हैं इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, वन बाय वन हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या शो करती है देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो शो करती है वो आता है इक्वेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन थी क्या आई, वेलोसिटी टाइम, ठीक है। क्या आ गई, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन आ गई है। अब इसका तो हमें समझने के लिए पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब देखिए ये आ गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया आपका माना 10, 20, 30। अब ये आप ना भी ड्रॉ करो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हमने यहाँ पे समझना है कि कैसे ये ड्रॉ करें। देखो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। फिर आपका देखो ये वैल्यू यहां से होगी, ठीक है। ये आ गया और ये, आपको एक बात तो आपको याद होगी कि इनिशियल वेलोसिटी अलग होगी एंड फाइनल वेलोसिटी अलग होती है, ठीक है। तो देखिए ए, ठीक है, ओ, ये आ गया आपका बी, ठीक है, पी, डी और ये आ गया आपका ई, ठीक है। इस ग्राफ के थ्रू आपकी तीनों जो भी इक्वेशन है वो सॉल्व होंगी। फर्स्ट आती है आपकी वेलोसिटी टाइम, ठीक है। अब ये कैसे रिप्रेजेंट होती है, क्या शो करेगा। अब देखिए यू क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन एंड टी आ गया आपका टाइम। बट ये इक्वेशन कैसे क्रिएट होती है चलिए देखते हैं। देखिए आपका ये आ गया टाइम टी वन एंड टी टू, इनिशियल वेलोसिटी यू आती है, फाइनल वेलोसिटी आ गया आपकी वी। अब देखो ट्राइंगल, देखो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होता है, अभी हमने जो लास्ट एक्सेलरेशन वाला कंसेप्ट किया उसमें क्या ऑब्जर्व किया कि जो रेक्टेंगल था वो उन दोनों को प्लस करके किया, बट अब ये वाली वैल्यू है, ठीक है, ये वाली, तो इसको कैसे मेजर करेंगे। देखिए रेक्टेंगल है तो क्या आ जाएगा, देखिए ए जो ए ओ है वो किसके इक्वल आ गया आपका डीसी के, क्या आ गया डीसी के। फिर एक चीज ऑब्जर्व करो, ओ ए ओ सी जो आ गया आपका ये इसके बराबर आ गया ए डी, ठीक है, क्योंकि इक्वल है। बट अब देखो अगर आपको बी एंड सी, ठीक है, बी सी निकालना है, बी सी पूरा है, बी सी किसका है टोटल, ये आ गया आपका बी डी, ठीक है, दोनों का मिलके हो गया ना बी डी प्लस डी सी, समझ आ गया। फिर आप ऑब्जर्व करोगे जब आपने वेलोसिटी का कंसेप्ट किया तो इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी की, तो कैसे होगा। देखिए अगर आपको वैल्यू किसके निकालनी है, अगर आपको वैल्यू बीडी की, देखो बीडी की वैल्यू निकालनी है, बीडी की कैसे निकालोगे आप क्या करोगे, इसको माइनस कर दोगे टोटल में से, बीसी में से आप माइनस कर दोगे डीसी, बीसी में से आप डीसी माइनस कर दोगे। बीसी क्या है, वी वैल्यू, वी माइनस यू, ये आ गया आपका बी डी। अब कैसे निकालोगे आप, आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है ना, तो कैसे निकालोगे, ए इक्वल टू बी डी आ गया आपका बी डी एंड ओ सी, तो ए आ गया आपका वी माइनस यू एंड ओ सी आ गया आपका टाइम। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमने वैल्यू ये क्रिएट कर ली है, तो कैसे आ जाएगी, देखो ए डी इस साइड चला गया ए डी और यू इस साइड चला गया, यू प्लस हो गया इक्वल टू वी, ठीक है। तो ये बी सी निकालना था ना पूरा, बी सी की वैल्यू निकल गई, क्या निकल गई आपकी यू प्लस ए डी, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये था आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट आता है आपका कौन सा आएगा, नेक्स्ट आ गया आपका इक्वेशन पोजीशन टाइम इक्वेशन, कौन सी, सॉरी मैंने इरेज कर दिया। अब जो सारी इक्वेशन है ना इसी से ही है, इसी ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे हम, क्या जाएगा पोजीशन टाइम, ठीक है, पोजीशन टाइम रिलेशन को निकालेंगे हम। अब इसी से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अब देखिए इसमें हम ट्रेपेजियम लेंगे, जैसे कि आपका ए, ठीक है, आपका आ गया ए, कहां से आ गया ए बी सी ओ, ठीक है, ए बी डी सी ओ ट्रेपेजियम लेंगे। हमने एक्सेलरेशन जो कंसेप्ट किया था ना, तो ट्रेपेजियम लिया था, तो हमने क्या किया था,
पहले जो रेक्टेंगल था उसको कैलकुलेट किया, तो क्या आ जाएगा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आ गया आपका AO इनटू आपका AD, ठीक है, प्लस AO इनटू AD आ गया, हाफ ट्रायंगल का आता है ना AD, ठीक है, या आप यहाँ पे OC भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी, ठीक है, AD इनटू AD आ गया ना आपका BD। अब वैल्यू पुट करेंगे, क्या निकाल रहे हैं हम, पोजीशन टाइम रिलेशनशिप, कैसे निकालेंगे, अब देखिए AO की वैल्यू कितनी है U इनटू AD, देखो AD टाइम प्लस हाफ, हाफ में क्या आ जाएगा AD, AD की वैल्यू देखिए A और ये D, याद है T इनटू BD की वैल्यू BD, BD की वैल्यू निकाली थी ना क्या T, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे S UT प्लस हाफ T AT स्क्वायर, क्या आ गया UT प्लस हाफ, क्या आ गया आपका हाफ AT स्क्वायर, तो ये सेकंड इक्वेशन निकलेगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना। नेक्स्ट इक्वेशन पोजीशन टाइम की इक्वेशन थी ना ये, अब कहेंगे हम पोजीशन वेलोसिटी की इक्वेशन, क्या करेंगे पोजीशन वेलोसिटी, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है, वो फॉर्मूला क्या था याद कीजिए, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू थी। फिर अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिएगा ध्यान से, देखिए इसमें भी अब एरिया लेंगे, एरिया कौन सा लेंगे AO एंड आपका आ गया CB, ठीक है, ट्रेपेजियम का एरिया लिया, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे पहले हम इसको लेंगे वैल्यू को, ठीक है, A आ गया आपके AO, फिर AO आ गया प्लस BC, ठीक है, इनटू हो जाएगा OC अपॉन 2, AO की वैल्यू U प्लस BC V, OC क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए O कहा गया C, ये तो ये आ गया आपका T अपॉन 2, ठीक है, T की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए T की वैल्यू आ जाएगी आपके पास U माइनस V माइनस U अपॉन A, वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए ऐसा आ गया U प्लस V, T की वैल्यू भरेंगे V माइनस U, क्या आ गया आपके पास 2A, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे S इक्वल टू U स्क्वायर माइनस V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A, इसको सॉल्यूशन कर लेंगे 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, निकल गया ना हमारा, क्या निकल गया आपका पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप, ठीक है, कौन कौन सा किया हमने, एक किया हमने डिस्टेंस टाइम वाला, ठीक है, और फिर हमने किया टाइम वेलोसिटी, ठीक है, पोजीशन टाइम किया, फिर अब अगर पोजीशन वेलोसिटी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन की बात की जाए तो क्या बात की जाएगी, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन एंड सर्कुलर मोशन, क्या आ जाएगा यूनिफॉर्म मोशन किसमें, सर्कुलर, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन सर्कुलर मोशन। अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है इक्वल वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल में मूव करता है, अब देखिए एक माना कि रेक्टेंगल है, कोई एथलीट है वो दौड़ रहा है, ठीक है, यहां से यहां जाएगा उसकी चेंज हुआ, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, उसका जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हुई, ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड, ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, दोनों चेंज हो रही हैं, तो वो आता है आपका यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब देखिए अब ये तो रेक्टेंगल का रहा, अगर हम हेक्सागोनल का ले लें, हेक्सागोनल में क्या है इक्वल इंटरवल इक्वल टाइम, ठीक है, इतने बार फिर से डायरेक्शन चेंज हो रही है, फिर से डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही है दोनों साइड, इट्स मीन ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन। अगर माना इसकी साइड इंक्रीज कर जाए, माना ये 6 साइड थी, अगर यहाँ पे 7 साइड ड्रॉ हो जाए, देखिए ये आ गया आपका 7 साइड, तो ये क्या है, अब जो मैग्नीट्यूड एरिया है, ये एरिया कम हो रहा है ना, देखो यहाँ पे एंगल ज्यादा था, यहाँ पे कम हो रहा है,
बट एक बात याद रखना, अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज हो रही है, इट्स मीन कांस्टेंट है। अब सर्कल में देख लो या आप एट साइड वाला देख लो, किसी में भी, सब में क्या है, डायरेक्शन चेंज है, मैग्नीट्यूड चेंज है, तो आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका सर्कुलर मोशन। सर्कल डायरेक्शन एंड आपका मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहा है सर्कल के केस में, तो हम क्या लेते हैं, सर्कल का, ठीक है, सर्कल का सरकम फ्रेंस लेते हैं। तो सर्कल का सरकम 2πr, r की वैल्यू कांस्टेंट होती है, r की वैल्यू क्या आ गई आपकी रेडियस, रेडियस मतलब इतना डिस्टेंस है, तो इसमें स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे v इक्वल टू 2πr अपॉन टाइम, ठीक है। तो क्या आ गया आपका, ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही है। अब देखिए एक और चीज ऑब्जर्व कीजिए, अब ये पर्सन है एक, वो राउंड घुमा रहा है, ठीक है, इक्वल स्पीड में घुमा रहा है, बट जब वो उसको छोड़ेगा तो वो एक डायरेक्शन में मूव हो जाएगी, ठीक है। देखिए जैसे कि अब ये पर्सन था, ये यहाँ घुमा रहा था पूरा, अब जब जैसे कि इस पर्सन ने फेंक दिया तो ये डायरेक्शन थी इस साइड को, ये मूव कर जाएगा आपका स्टोर, ठीक है। तो इट्स मीन कि वो कैलकुलेशन है कि कैसे वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो सिस्टम से होगा ये सब कुछ, क्लियर हो गया कंसेप्ट। फिर अब देखिए कोई भी हैमर से पुश कर रहा है या कोई भी गेम खेल रहा है, तो वो अगर उसको किसी डायरेक्शन में कुछ चीज फेंकनी है, ठीक है, बॉल कीपर ले लो, तो वो क्या करेगा, पहले राउंड शेप देगा, जिस डायरेक्शन में फेंकनी होगी उस डायरेक्शन में वो फ्लो करवाएगा, ठीक है। इट्स मीन वो उसको एरिया तैयार कर रहा है ताकि प्रॉपर उसी डायरेक्शन में मूव करे। अगर माना वो ऐसे घुमा रहा है, ठीक है, अगर उसको यहाँ बॉल पहुंचानी है बट वो यहाँ से फेंक रहा है, किसी और डायरेक्शन में चली जाएगी। अगर वो मूव कर रहा है तो वो प्रॉपर इस साइड से मूव करेगा तो इधर ही पहुंचेगी, ठीक है। तो ये आ गया आपका सर्कुलर यूनिफॉर्म। अगर मोशन हटा दिया जाए यहाँ से तो ये मोशन नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन या सर्कुलर मोशन दोनों ही सेम आ गया, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कल में जो मोशन है वो यूनिफॉर्म होगा। क्यों होगा यूनिफॉर्म, क्योंकि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही है विद टाइम, ठीक है, क्लियर हो गया। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, डाउट नहीं है तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको कुछ और पूछना है इससे रिलेटेड, न्यूमेरिकल जो आते हैं वो हम जो इंडेक्स के न्यूमेरिकल हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। डाउट है अभी तक क्लासेस में तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि डाउट अगर ज्यादा टाइम तक रखेंगे तो डाउट ही रह जाएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।